नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस वर्सेस रियलमी 12X 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 20 Pro Plus में 6.48 इंच जबकि 12X 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 20 Pro Plus में 2.95 इंच जबकि 12X 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 20 Pro Plus में AMOLED जबकि 12X 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 20 Pro Plus में 6.78 इंचेस जबकि 12X 5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 20 Pro Plus में 1080x2460px FHD+ और 12X 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 20 Pro Plus में 88.56% जबकि 12X 5G में 86.51% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 20 Pro Plus में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12X 5G में 392 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 20 Pro Plus में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। और 12X 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 20 Pro Plus में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12X 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 20 Pro Plus में MediaTek Helio G99 Ultimate और 12X 5G में MediaTek Dimensity 6100 Plus मिलता है। बात करें RAM की तो 20 Pro Plus में 8GB की RAM मिलती है जबकि 12X 5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो 20 Pro Plus में 256GB जबकि 12X 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 20 Pro Plus में अप टू 1TB जबकि 12X 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 20 Pro Plus में 4 कलर्स जबकि 12X 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 20 Pro Plus में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12X 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं Realme 12X 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 20 प्रो प्लस आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।